हो गया, जबान से कह दिया कह दिया, लेकिन दिल से शुक्रिया अदा करना बहुत बड़ी, दिली तौर पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, दिली तौर पर लिया तकीजा आई मेरा पूर के लोगों को सलमानों ऐसा दिल लगना हो, आई मेरी बहनों तुम भी ऐसा दिल लगना हो, वो खूबसूरती किसने दिए ना दे दी है, ये दौलत किसने दिए ना दे दी है, ये मकान की जमीन ये जायदाद किसने दिए ये ना दे दी है, ये जिंदगी जी रहे चलने का और ये पाँव ही कदम ये पैर किसने दिए ये अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए, लियत तखिज़ा कल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा, ऐ लोगो तुम अपनी ज़बान ऐसी बना लो कि ज़बान से तुम अल्लाह के नाम लिया करो, चलो तब भी अल्लाह का नाम लो, बैठो तब भी अल्लाह का नाम लो, लेटे तब भी अल्लाह का नाम लो। मेरे साथियों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, आप घर से बाहर निकले तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आप घर के अंदर दाखिल हो रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आप चेहरा देख रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आप मस्जिद में दाखिल होते तब भी अल्लाह का नाम लेते हैं, आप अपने बीवी से मुलाकात करते तब भी अल्लाह का नाम लिया करते हैं। लेकिन जरा गौर करो मुसलमानों, हम कैसे मुसलमान हैं, अल्लाह का नाम भी नहीं लिया करते हैं, खाते समय बिस्मिल्लाह तक भी कहना भूल जाया करते हैं, और हम कहते हैं कि हम पक्के जन्नती हैं। नबी की सीरत को अपनाने की कोशिश करो, नबी की सीरत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। गौर करें मेरे साथियों, लियत्तखिज़ा कल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी ज़बान अपनाओ कि जिस ज़बान से तुम नाम लो तो अल्लाह का नाम लिया करो। ज़बान है ऐसी हमारी है, सुबह सवेरे उठो तो उठ रहे हैं 8 बजे, अल्लाह ऊपर की आवाज का जवाब आपने दिया, अज़ान का जवाब दिया, मस्जिद में जाकर के बगल में आपने मस्जिद में नमाज पढ़ी, सुबह क्या पता तुम सुबह के वक्त अपनी आंखें खोल ना पाते, ये अल्लाह का हिसाब नहीं है, ये अल्लाह का फजल नहीं कि रात में सो रहे हैं और सुबह को उठ रहे हैं, हालांकि आदमी दुआ भी पढ़ता है अल्लाह का बेसमिका अमू तो पकड़ लिया, मैं मर रहा हूं अल्लाह तेरे नाम से, यानी सोने को मरने मरने से ताबीर किया गया, आदमी सो रहा है बल्कि मरने से ताबीर किया गया कि मैं सो रहा नहीं मर रहा हूं तेरे नाम से, और जिंदा भी रहूंगा तो तेरे नाम से, और जिंदा होने के बाद उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा मातना व इलैहि नुशूर। कितने लोग हैं जो सोने के उठने के बाद सोकर के उठने के बाद दुआएं पढ़ते हैं, बताएं जरा, हाँ बताएं जरा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो सोकर के उठने के बाद सोकर के उठे बजे में तो सुबह उठे जब भी उठे कितने लोग हैं जो इस दुआ को अपनाते हैं, हैं? लेकिन कहते हैं रब रब में है नबी, जिंदगी को भी खूबसूरत बनाएंगे, आपके आखिरत को भी खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ उलमाओं की कदर है नहीं, घर की मुर्गी दाल का ऐसा ही होता है, इमाम साहब कब इमाम साहब की जरूरत कब पड़ती है हमारे यहाँ, जनाजे के वक्त हमारे उलमा नजर आते बस कौन पढ़ाया, एक से दो हो गए प्रेफरेंट अपने बीवी जब बनाने लगो तो मुझे साहब मेरा निकाह पढ़ा दो, उस वक्त तो आलिम नजर आते हैं लेकिन कभी कभी मसला के लिए जाए, नमाज के बारे में जाकर के पूछो कि बताइए मैं नमाज कैसे, बताइए मैं अपने बीवी से कैसे मिलूं, आपने कभी पूछा अपने बीवी से मिलते समय कौन से दुआ पढ़ी जाए, आपको मालूम है कितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता है 90% अच्छी बुरी भी नहीं होगी, लेकिन हम बात बुलाने के लिए आप मुझे इतने दूर से आए हैं लेकर के आए हैं, मैं किस तरीके से तकलीफ बर्दाश्त करके आया, सुबह
सुबह सवेरे मैंने आज की फजर की नमाज दिल्ली में जामा मस्जिद में मैंने पढ़ी और वहां से मैंने फ्लाइट पकड़ करके बाबा कलकत्ता होते हुए आज तक पहुंचा हूं। यह अगर ना बताऊं आप तक हालांकि बहुत से लोग आपने फरमाया ऐसी लड़की जिंदगी में लाओ जो आखरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो। आखरत के कामों में मेरी बात नहीं है, बात इनकी मैं कर रहा हूं। हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बीवी अपनाओ, लेकिन बीवी कैसे अपनाते हैं? जिन सौ की शक्ल है जो एक वक्त की नमाज न पढ़ती हो, ऐसे को घर में लाओगे तो कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह का नाम लिया जाएगा। ऐसी बीवी अपनाओ जो आखिरत के काम में सपोर्ट करने वाली हो। आप नमाज न पढ़े तो वो बीवी बोले आए मेरे शौहर मेरा नमाज पढ़े। हाँ शौहर नमाज पढ़ ले, आप हराम खोरी करने लगे तो वो बीवी रोके जरा रुक जाओ कि हराम खोरी है अल्लाह पर आपको पसंद है। ऐसी बीवी अपना है, ऐसी बीवियां आपने जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक कायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये बातें बताई। आपका आपका जो टेंशन है वो दूर होता चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू को आप देखिए कि अखलाक के मामले में कितने ज्यादा अच्छे थे। अखलाक इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख करके गैर मुस्लिम जो गैर थे वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया करते थे, इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। नबी की जिंदगी को देख लेने के बाद अल्लाह के नबी लोगों को दर्श दे रहे, अचानक एक आदमी आया और एक आदमी आने के बाद कहने लगा मन मिनकुम मुहम्मद, तुम में से मुहम्मद कौन है? सबसे बड़ा कंजूस आदमी वो है जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए तो जरूर डिलीट कर दिए जाते हैं। सिर्फ ये पढ़ने से इतनी बड़ी फजीलत है, दस दर्जा बलंद किए जाते हैं। लेकिन हम नहीं जलसो ही ज्यादा था, बस कभी कभी घर में अपने बच्चों को भी बेटा जरा सुनाओ दरूद शरीफ पढ़ कर सुनाओ, बेटी जरा पढ़ कर सुनाओ, सोते समय अपने बीवी से जरा आप भी दरूद शरीफ पढ़ें, उनसे भी सुने आप भी सुनाए। लेकिन ये माहौल हम अपने घराने में पैदा नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। फरमाया तुम में से एक वो आदमी आया बदतमीज और जाहिल किस्म का, गांव गवार से आया और कहने लगा तुम में से मोहम्मद कौन है? क्या कह रहे हो जी? हमारे नबी कहते हैं, ओ मेरे सहाबा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये बंदा आया जरा अपने नबी
तुम्हारे नबी को देखे और जाने कि तुम्हारे नबी कैसे हैं। वो आदमी आया और कहा कौन है? आपने कहा कि मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अन्ना मोहम्मद इब्ने, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। वो आदमी आया और आपके गले में पट्टा डाल दिया और आपको आपको उस पट्टे को खींचने लगा, आपकी गर्दन में निशान बन गए। और वो जाहिल वो किस्म का गवार किस्म का आदमी कहने लगा, ऐ मोहम्मद बताओ क्या तुम हकीकत में रसूलुल्लाह हो? क्या तुम हकीकत में अल्लाह ताला ने तुम्हें रसूल बना करके भेजा गया भेजा है? आपने फरमाया हाँ, मैं अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान लास्ट नबी बना करके भेजा गया हूँ। ला नबी या बाद मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। वो क्या कहता है? वो देहाती आदमी कहता है, मैं ये कैसे मान लूं कि आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिए गए, अब लास्ट नबी और आखिरी नबी और रसूल के सरदार बना दिए गए, मैं ऐसे नहीं मानूंगा जब तक कि आप अल्लाह का नाम और कसम खा करके नहीं बोलेंगे, जब तक कि आप मोहम्मद जब तक ये ना बोले अल्लाह की कसम में अल्लाह का रसूल हूं आखिरी रसूल हूं, जब तक कि आप कसम खा करके नहीं बोलेंगे मैं मानूंगा नहीं अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। आपने फरमाया अल्लाह की कसम खा करके मैं कहता हूं कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल पैगंबर ऋषि मुनि बना करके भेजा गया। उसने फिर उस पट्टे को खींचा और खींचने के बाद कहने लगा, आई मोहम्मद, अभी ऐसी बिल्कुल बदतमीजी से पेश आ रहा है, अगर हमने से इतने बड़े आदमी से ऐसे करके कोई बात करे तब तब तुमको क्या जरूरत तो सबूत देने की मैं क्या क्या नहीं बताइए। आम से आदमी से हम इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, कर सकते और लोग उसको छोड़ेंगे, लेकिन हमारे नबी के अखलाक गुजरा रही है, गुस्सा नहीं हो रहे, गुस्सा देखिए आदमी कहता है बैठो जो भी सवाल करना सवाल करो, लेकिन वो आदमी गले में पट्टा डाल करके खींच रहा है, हाँ, और ऐसा खींच रहा कि निशान भी पड़ रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे नहीं मानेंगे अल्लाह का नाम लेकर कसम खा करके बोलो। फिर पूछा कि अल्लाह ताला ने पांच वक्त की नमाजें फर्ज की है? आपने फरमाया हाँ। उसने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा जब तक कि तुम कसम खा करके ना बोलो। आपने फरमाया अल्लाह की कसम तुम्हारे पर पांच वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज की है। फिर उसने कहा क्या रोजा फर्ज है मुसलमान के ऊपर? आपने फरमाया हाँ। उसने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा जब तक कि आप कसम खा करके ना बोले। आपने कसम खा करके बतलाया कि अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने पांच वक्त की नमाजें फर्ज की है, उसने फर्ज किए, उसने छोड़ा, लोगों के सामने ऐलान ऐलान करने लगा, लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि हकीकत में अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है और उसके बंदे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि जो लास्ट नबी होंगे, जो लास्ट पैगंबर होंगे, जो लास्ट ऋषि मुनि होंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे, वो नाराज नहीं होंगे। आज मुसलमानों को देखिए, गोश्त खा करके जूस आया कि गोश्त खा करके इतना ज्यादा जोश नहीं आया? यहाँ अपने बड़ों से भी अच्छे से बात करते भी नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं बुजुर्गों से भी बात नहीं करते, अपने आलिमों की भी इज्जत नहीं करते, अपने माँ बाप की भी खिदमत नहीं करते, अपने से बड़ों से जिस तरीके से बात करने का हुक्म दिया गया वैसा हम बातें भी नहीं करते। फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम यग़फिर कबीरना, आपने फरमाया जो हम में से बड़ों की इज्जत न करे वो हम में से नहीं है, जो हम में से छोटों का अदब न करे वो हम में से नहीं है। हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं और गालियों पे गालियां देते हैं। आज बेटा आज बाप बेटे के सामने गालियों से बातें करता है, बेटा बाप के सामने गालियों से बातें करता है, हमारा समाज उस तरीके पे उस लेवल पे कैसे आएगा? बाप को चाहिए, फादर को चाहिए, भाइयों को चाहिए, माँ और बहनों को चाहिए कि नबी की सीरत को अपनाए, नबी के अखलाक को अपनाए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए उसका भी हल और उसका भी इलाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाओ तो तुम अपनी जबान से कहो औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम,
हाउस में ना पढ़ो और तब भी गुस्सा खत्म ना हो, खड़े हो तो बैठ जाओ तब भी खत्म ना हो, लेट जाओ तब भी खत्म ना हो, वजू बनाओ जाकर के दो रकात नमाज पढ़ लो तब भी अपने सवाल के ऊपर कंट्रोल करो। क्यों? आपने एक मौके पे फरमाया, आए दुनिया के लोगों मुझे तुम दो चीजों की जमानत दे दो, मुझे दो चीजों की जमानत दे दो मैं तुझे जन्नत की गारंटी देता हूँ। आपने फरमाया कि तुम अपनी जबान की गारंटी दे दो, मैं अपनी जबान से मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैयज़मल्ली मा बैन लहयही है व मा बैन रिज्लैही यज़मल्लहुल जन्ना, इस बात की गारंटी दो, इस बात की जमानत दो कि मैं अपनी जबान से किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आज बीवियां शौहरों को तकलीफ पहुंचा रही है, आज शौहर अपने बीवियों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आज बेटा बाप को और बाप बेटे को, रिश्तेदार रिश्तेदारियों को बाकायदा अपनी जबान से तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आए मुसलमान तुम्हें क्या हो गया है, नबी को मानते हो लेकिन अपने नबी की इन बातों के ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा है, जरा गौर करो और अपने नबी की सीरत की जरा इस वाकियात को जरा पढ़े और गौर करें लोगों ने गैरों ने इस्लाम एक्सेप्ट कैसे किया। حضرت سلامہ بن وصال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کے بہت بڑے دشمن تھے۔ دیکھیں آپ کا دشمن آپ کا دوست کیسے بنے، ہمارے دشمن بغل بغل میں اس کو دوست کیسے بنایا جائے، ہاں کیسے اس کو دوست بنایا جائے، غور کریں آپ، کیا اس کو کوئی جادوئی چھڑی چلائی جائے، اس کے اوپر کوئی دوائی پلائی جائے کہ وہ دشمن آپ کا دوست بن جائے؟ قرآن کہتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، قرآن پڑھو، قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن میں سارا کا سارا علاج ہو، دشمن کو دوست تو دشمن کو دوست بنانا ہو تو قرآن کی سائے کے اوپر عمل کر لینا۔ ہاں فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ارفع بالتی ہی احسن، اے لوگوں تم برائی کا جواب بھلائی سے دیا کرو، تمہارے بڑے بڑے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، تمہارے بڑے بڑے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، ہاں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں قرآن تو پڑھا، یا نبی کے اخلاق کو جاننا تو قرآن پڑھتے جاؤ اور نبی کا اخلاق تجھے پتا ہوتا چلا جائے گا، نبی کے اخلاق کا علم تمہیں ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ارفع بالتی ہی احسن فیضل الذی بینک و بینہ عداوہ، آپ نے وہ منظر سنا مامن وصال کا سنا ہوگا جو نبی کا بہت زیادہ نبی کو تکلیف دیا کرتے تھے، نبی کے قتل کے اوپر آمادہ تھے اور کئی مرتبہ اس نے کوشش بھی کیا کہ نبی کو قتل کر دیں میرے بھائیوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بندہ پہنچ نہیں پایا۔ سمامہ بن وصال قبیلہ بنو حنیفہ کا بہت بڑا سردار اور گورنر کہنے اور ڈینجر قسم کا یہ بادشاہ تھا، ڈینجر قسم کا یہ گورنر تھا اور اتنا لوگ دبدبا اس کے پاس تھا، اتنی زیادہ طاقت تھی اس کے پاس، اتنے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں میں محمد کو قتل کر دوں گا، غور کر اس منظر کو دیکھنے کے بعد قتل کرتا ہوں اور میں آپ کو سبق دے کر تمہیں یہاں سے جاؤں گا، پیغام دے کر کے میں جاؤں گا۔ منظر دیکھیں کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ لوگوں اس نے کئی کوشش کی لیکن ناکام رہا، غصے میں آ کر کے آپ کے کئی ساتھیوں کو کئی صحابہ کرام کو اس نے تو قتل کر دیا۔ نبی کو اس بات کا جب علم ہوا آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں سمامہ بن وصال کو جہاں کہیں پاؤ تم اس کو قتل کر دینا، کیوں اس نے میرے بہت سے صحابہ کو قتل کر دیا ہے، ارے قتل کے بدلے قتل میں
इस्लाम तो यही कहता है कत्ल के बदले कत्ल है, क्योंकि अगर कोई कत्ल करे और आप उसको छोड़ दे तो दूसरे को फिर कत्ल करेगा, फिर छोड़े तो तीसरे को कत्ल करेगा, फिर छोड़े तो चौथे को कत्ल करेगा। इसी वजह से इस्लाम का कानून इतना डेंजर है कि अगर कोई आपका कातिल हो तो उसको दुनिया में जीने का हक नहीं, कत्ल के बदले कत्ल किया जाए ताकि दूसरा ये देखे अरे उसने उसको कत्ल किया, उसको मार दिया गया, मैं ये काम न करूं। इंसाफ का जनाजा हिंदुस्तान से निकल गया, यहाँ का जज भी बिका हुआ है, यहाँ का वकील भी बिका हुआ है, पैसा वाला आदमी है, अमीर आदमी है, गरीबों की पर जुल्म हो रहा है, कत्ल करने वाला दुनिया में घूम रहा है, लेकिन जो मजलूम है जिसने कुछ भी नहीं किया वो जेल के अंदर बंद है। मेरे साथियों, हम आह भी करते तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करें तो बदनाम हो जाया करते, और तुम कत्ल करो तो चर्चा नहीं होता। आज कितने कातिल ने जो बाकायदा कत्ल करने के बावजूद कुर्सियों में बैठे हुए हैं, आज कत्ल करने के बावजूद बाकायदा पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। लेकिन मेरे साथियों, अगर हम जबान से दो जुमला बोलते तो गिरफ्त करो, इसको पकड़ो और जेल के अंदर दफन दे, जेल के अंदर दाखिल करो। क्या यही इंसाफ है हिंदुस्तान के लोगों? मीडिया वालों लिखो, अगर तुमने अपने माँ का दूध पिया तो लिखो, अल्लाह की कसम जनाबे मोहम्मद की सीरत को देखो, आपने अपने बेटी के बारे में फरमाया था अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं अपने बेटी का हाथ भी काट देता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ किया करते थे, लेकिन आज के हुक्मरान, आज के बड़े बड़े रईस जो आदमी है, हुक्मरान, जज हैं, पैसों में बिक जाया करते हैं। और लोगों, अगर हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर अमन शांति चाहते हो तो हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ को लागू करो, मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करो, गैरों के साथ भी इंसाफ करो। मुसलमान का केस आया, आपके सामने शिकायत आए तो मुसलमान को जाकर के जेलों में बंद कर दिया। कितने मुसलमान जो अपने जेलों में दहशतगर्दी के नाम पे आज भी बंद है, जिसमें एक चूहा तक भी नहीं मारा हो लेकिन वो जेलों के अंदर बंद है। पटाखा भी थोड़ा होगा लेकिन उसको इतना बड़ा मीडिया ने बना के लगता है बाप ने बहुत बड़ा खूंखार बंद कर दिया। इंसाफ का जनाजा हमारे यहां से निकल गया। हाँ, जो कत्ल करे तो कत्ल के बदले उसको कत्ल किया जाए ताकि दोबारा इस तरीके से लोगों के सामने शिकायत ना आए। इस्लाम की कहता है, आपने हुक्म दिया कि सुमामा बिन उसाल को कत्ल कर दिया जाए, सहाबा ने बहुत कोशिश किया लेकिन कत्ल न कर पाए। एक मरतबा सुमामा बिन उसाल मदीना से मक्का की तरफ जा रहे हैं, चलो लात और उज्जा के ऊपर चादर चढ़ा लो, चलो उसको मैं नजराने पेश कर दिया हूँ। मदीना की गलियों से गुजर रहा था, सहाबा कराम ने रात के तारे के उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मस्जिद नबी के खंभे से बांध दिया। सुनो ओ लोगो, सुनो गौर से सुनो, सही बुखारी मुस्लिम की रवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मस्जिद नबी के खंभे से बांधा, सुबह हुई हजरत बिलाल अज़ान दे रहे हैं, अस्सलातु खैरुम मिन नौम, आवाज लगा रहे ओ लोगो नींद से बेहतर नमाज नमाज के लिए आओ। पहले के लोग अल्लाह के कसम इस आवाज को लबैक कहते हुए अपने बीवी को छोड़ दिया करते थे, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ दिया करते थे, वो भी नमाज के लिए जाया करते थे और अपने बीवियों को भी नमाज के लिए उठाया करते थे। अल्लाह की कसम, ऐसे लोग पहले के मौजूद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबी में पहुंचे, सहाबा कराम पहले से नमाज के इंतजार कर रहे हैं। आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद पलटे, आपकी नजर पड़ी सामने उस आदमी के ऊपर, आप फौरन उठे, फौरन उठे, कौन आपने किसको बांध दिया गया, किसको तकलीफ दी गई है, फौरन गए, गौर से देखा और सहाबा से अर्ज किया, सहाबियों तुमने जिसको बांधा है, तुमने जिसको कैद किया जंजीरों से बांधा है, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सी शख्सियत है, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सी आदमी है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम नहीं है ये कौन सी आदमी है, लेकिन हाँ इनको मैंने शक की नजर से देखा, हथियार थे इनके पास, इस वजह से हमने इनको गिरफ्त करके बांध दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम नहीं है कौन आदमी है। आप मुस्कुराए और फरमाने लगे, ओ मेरे साथियों, यही सुमामा बिन मुसाल है।
यही सुना आपने मुसा से। अब आप मुस्कुरा करके पूछते सुना आपने मुसा से, अय हिंदुस्तान के हुक्मरान और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सुने, गौर से आप सुने, हमारे नबी के अखलाक को तुम भी अपना लो। गौर से सुने, आपने फरमाया या सुमामा माइन तक, या सुमामा आई सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है। रात से अभी तक पधे हुए, बताओ क्या हाल है, क्या हाल है। काय मोहम्मद हाल क्या पूछते हो, भूख लगी। आप देखिए दुश्मन के साथ कैसा सलूक करते हैं, गरीबों का पैसा लूट लूट करके 10 लाख का सूट नहीं पहनते थे, चाय बेचने वाला आज 10 लाख का सूट पहन के घूम रहा, यही है। ऐसी हाकिम और ऐसी बादशाह होने चाहिए, वो मंजर में आपके सामने रखता अल्लाह हजरत तुम्हारे फारूक का वो मंजर, कपड़ा भी पहन रहे लेकिन सिला हुआ है, कई जगहों पे बाकायदा पेबंद लगे हुए हैं, क्यों, वो लोगों के माल को खाया नहीं करते, अमानत में खयानत नहीं किया करते। अल्लाह अकबर, आई सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है, जवाब देता है सुमामा, आई मोहम्मद क्या बताओ, आप क्या पूछते हो, रात से पता हुआ अभी तक मैंने खाया भी नहीं है, आपने बताया सहाबियों जाओ मेरे घर के अंदर और घर से दूध लेकर के आओ इसको पिलाओ, जिस ऊंटनी का दूध मैं पीता हूँ उसको लेकर के आओ इसको पिलाओ। बताइए दुश्मन के साथ कोई ऐसा करेगा, जिसने कत्ल किया हो जिसने मारा हो उसके साथ करेगा। सीरत देखिए, सीरत नबी के अखलाक को देखिए, सहाबा गए दूध लेकर के पिलाया, फिर आपने पूछा बताओ अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, मालूम है वो निडर होकर के जवाब देता है पक्तुल पक्तुल साहब, अगर कत्ल करना तो कत्ल कर दो, ज्यादा पूछते क्यों है, मैंने कत्ल किया मुझे कत्ल कर दिया जाए, मुझे मालूम है, या भाई तो नहीं माना शुक्र, अगर आप मेरे ऊपर एहसान करेंगे तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। और आई मोहम्मद अगर माल चाहिए दौलत चाहिए तो बोलिए कितनी दौलत चाहिए उतना देने को बंदा तैयार। तीन ऑप्शन रखा, पैसा के बदले में देना छोड़ना चाहते दीनार और दिरहम वो भी देने को तैयार, आप ऐसे माफ करना चाहे तो हम भी शुक्रगुजार हैं, आप कभी इस हिसाब को भूलेंगे नहीं, लेकिन कत्ल करना चाहे तो कत्ल करके मैंने कत्ल किया है, आपने कुछ जवाब नहीं दिया चले गए, दूसरे दिन भी आए, दूसरे दिन भी आपने यही सवाल किया, तीसरे दिन भी आपने यही सवाल किया और तीनों दिन सुमामा बिन उसाल ने यही जवाब दिया। आपने अपने सहाबा से कहा ओ मेरे सहाबियों इसको आजाद कर दो। देखिए दुश्मन के साथ अच्छा सुन, आजाद कर दो, जंजीरों को खोला गया, बेड़ियों को खोला गया, गैर मुस्लिम हजरात इस्लाम को दहशतगर्दी कहने वालों देखो इस्लाम का पैगाम तो जरा सुनो, और मीडिया वालों कभी सच भी तुम लिखा करो, मीडिया वालों कभी सच भी लिखा करो, जिसने इतने ज्यादा कत्ल किए उस कातिल को इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ रहे हैं और कह रहे हो ओ मेरे साथियों ओ मेरे साथी उसको छोड़ दो आजाद कर दो। आजाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया, सुमामा बिन उसाल को यकीन नहीं आ रहा है, पलट पलट करके देख रहे हैं पीछे से कोई हमला न कर दे, मस्जिद नबी से बाहर निकले ऊंटनी उनकी बंधी हुई है, ऊंटनी पे बैठे और निकल गए दूर तक जाते हैं, मस्जिद नबी से भी आगे मदीना से भी आगे निकल जाते हैं, अपने ऊंटनी को रोकते हैं और वहां पे कुआं या एक यूं कह लीजिए तालाब, तालाब में जाकर के गुस्ल करते हैं और वापस मस्जिद नबी आते हैं और चीख करके ऐलान करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अखलाक देखा, कोई जादुई छड़ी आपने
نے نہیں چلائی، وہی بہت لمبی چوڑی تقریر آپ نے نہیں کی، بہت لمبا خطاب آپ نے نہیں کیا، صرف آپ نے اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے اور اس قاتل کے سامنے پیش کیا تو اس نے اسلام ایکسپٹ کر لیا۔ زبان سے اقرار کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کو بہت برا سمجھتا تھا، میری نظر میں سب سے برا کوئی مذہب تھا تو وہ مذہب اسلام تھا، لیکن آج میں اقرار کرتا ہوں کہ مذہب اسلام سے اچھا مذہب پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری نظر میں بہت برے تھے، لیکن آپ کو جاننے کی بات میں قرار کرتا ہوں کہ آپ سے پیارا چہرہ اور آپ سے پیارا سیرت کسی دوسرے کا نہیں، آپ کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد کسی دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ مدینہ جس کو میں بہت برا شہر مانتا تھا، مدینہ کو دیکھ لینے کے بعد اس مدینہ سے میری اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ مدینہ جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں۔ اسی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ کے قسم مدینہ جاؤ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ رحمتوں کی برسات، رحمتوں کی بارش نازل ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھو سکون ملتا ہے۔ میرے ساتھیوں کبھی غور کرو اور امیروں کبھی مکہ اور مدینہ کی بھی زیارت کرنے کی کوشش کرو، جاؤ دیکھو جس جگہ میں ہمارے نبی آئے وہاں آج بھی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ غور کرو میرے ساتھیوں تو نبی کی سیرت کو اپناؤ، اور میری بہنوں اگر آپ بھی آئی ہوئی ہو تو سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی سیرت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باحیا تھے، بہت زیادہ شرم کیا کرتے تھے، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو اور نبی کی بیٹیاں اتنی زیادہ پردہ کیا کرتی تھی، نبی کے صحابیات اتنی زیادہ پردہ کیا کرتی تھی کہ راستے میں چلتی تھی، آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تم راستے میں چلا کرو تو دیواروں میں سٹ سٹ کے چلا کرو۔ نبی کی اس بات کو عورتوں نے صحابیات نے ایسا مانا اور اس طریقے پر عمل کیا کہ عورتیں دیواروں سے ایسی چلا کرتی تھی کہ ان کے کپڑے لگ کر کے تھک بھی جایا کرتے تھے، لیکن آج دیکھو گنگا ان کی بہ رہی، راستے میں چلیے تو ایسا لگے کہ لڑکے پھکا ہو گئے، راستے میں سٹ کے نہیں، وہ دیواروں سے سٹ کے نہیں چلتی ہے بلکہ آپ کو سٹا کے چلتی، تم سٹو ادھر ہم چلیں گے بیچ۔ ہاں بتائیے غور کریں میری بہنوں، اور نبی کو اس حدیث کو لے کر کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پہ مائلاتن مومناتن، میری امت میں کچھ عورتیں آئیں گی جو مائل کرنے والیاں ہوں گی اور خود مائل ہوں گی، یا اس کا ترجمہ یہ کہہ لیں کہ خود چاہیں گے کہ مجھ کو لڑکا اپنے انڈر میں لے لے، یا یوں اس کا فحاش ترجمہ کر دوں کہ میری امت میں کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی جو کہیں گی چلو ہم عشق کر رہا، خود نمبر دیں گی، خود بات کریں گی، خود اپنا دل دے بیٹھے گی اور خود دینے کی کوشش کریں گی، یعنی مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، کپڑا ایسا پہنے گی جو ننگی دکھائے گی۔ آج دیکھیں نقاب پہنتی ہیں لیکن نقاب میں زیادہ خوبصورت ایسا اس کا بناؤ سنگار، اس طرح نقاب پہننے کا تھوڑی ہے کہ اتار چڑھاؤ، ہاں نقاب ایسا پہن گے کہ آپ کا اتار چڑھاؤ نہ دکھتا ہے۔ علماء سے پوچھیں آپ نقاب کا مطلب نہیں کہ چہرہ کو آپ ڈھانپ لیا، آپ کی جو اتار چڑھاؤ جس کی وجہ سے کشش آپ کے اندر رکھی گئی ہے اس کا ڈھکنا اسلام کی نظر میں ضروری ہے، اس کا ڈھکنا، لیکن اتنا خوبصورت بن کر کے آتی ہے جلسوں میں ہو بازاروں میں ہو یا کہیں اور، آپ دیکھیں کتنا چاہتے ہوئے بھی اور خوشبو ایسے لگا کر کے آتی ہے کہ ایک مرتبہ پلٹ کر کے ضرور دیکھتا ہے۔ فرمایا مائلاتن مومناتن، ایسی عورتیں آئیں گی جو مائل کرنے والیاں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا لا یجد الریحا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں آپ
بھی نبی کی سیرت کو اپنائیں اور آپ بھی جنت میں جانے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر جنت میں چلے گئے کوئی بھی کہیں کا بھی, اس سے بڑا کامیاب, اس سے بڑا سکسیسفل آدمی, اس سے بڑا خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں. فرمایا فمن زحزحی عن النار وادخل الجنة فقد فاز, اس کے خوش نصیبی کے لیے کیا کہنا, جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر لے اس کی خوش نصیبی اور اس کی کامیابی کا کیا کہنا. میرے ساتھیوں کوشش کرو, مرد حضرات بھی کوشش کریں نبی کی سیرت کو اپنائے اور عورتیں بھی کوشش کریں نبی کی سیرت کو اپنائے. نبی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے, میری بہنوں آپ بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نبی کی بیویاں, نبی کی بیٹیاں, نبی کی صحابیات کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں اور نبی کے صحابہ کی سیرت اور نبی کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں. ہمیں وقت ملا ہے, وقت میں ہم فرصت اوقات میں یوں ہی گپ میں لگتے ہیں, یوں ہی موبائل میں وقت برباد کرتے ہیں. نبی کی سیرت کو پڑھیں میرے ساتھیوں, اگر حقیقت میں مومن بننا ہے, حقیقت میں جنتی بننا ہے, جہنم سے بچنا ہے, تو اپنے نبی کی سیرت اور صورت دونوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر حقیقت میں صورت بھی بنائیے تو نبی جیسا, سیرت بھی بنائیے تو نبی جیسا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. میرے بھائیو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, سوا اور ڈیڑھ گھنٹے کی یہ تقریر ادب جمع نرا شخص استس وشیتی, جس کا نام سب سے زیادہ لیا جائے گا, کیونکہ ان کے سیرت سب سے زیادہ اچھے ہوں گے, ان کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے, ان کے صورت سب سے اور ان کے خوبصورتی سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. اللہ کے قسم نبی سے خوبصورت دنیا میں آج تک کوئی آیا نہیں, نبی کے سیرت سے زیادہ اچھی سیرت والا آج تک کائنات میں نہیں دیکھا. تو کیوں دوسروں کو پکڑتے ہو, کیوں شاہ رخ سلمان اور کیٹرینا کو تم اپناتے ہو میری بہنوں؟ نبی کی زندگی کو اپناؤ, نبی کی بیٹیوں کی سیرت کو اپناؤ, اللہ کی قسم زندگی بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی, سنانے والے کو بھی اور کہنے والے کو بھی, اور جتنے بھی حضرات ہیں سب کو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے, ناری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہٰذا العالمین, جو باتیں ہم نے کہی ہیں ہم سے پہلے ہمارے قاری جمیل صاحب حفظہ اللہ متولہ نے کہی ہے, اور ہمارے ایک اور مقرر بہت شعلہ بیاں ہیں وہ بھی آپ کے بیچ میں آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم جمی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے اس پروگرام کے اندر تعاون کیا اللہ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور اس کے بدلے میں دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے. میرے ساتھیوں میری دعا ہے, اور آپ نے شاید مجھے یوٹیوب میں بھی سنا ہوگا, آئی پرس ٹی وی چینل ہے, اس ٹی وی کے اندر بھی میں آتا ہوں. آپ سے میری گزارش ہے کہ اسلامک چینل کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں, جیو سی میں تو اس کا بھی فائدہ اٹھائیں, علماء کرام کی تقریریں موجود ہیں, اب تقاریر کو سنیے, کیونکہ وہی ذات دنیا کا نہیں ہدایت ہو زیادت ہو ایمان. قرآن کی آیت کو سننے کے بعد, تقاریر سننے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, ایمان بڑھتا ہے. میرے ساتھیوں اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں, گھٹانے کی کوشش نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اللہ اسلام کے قانون کے اوپر عمل نہیں کر پائے, اللہ ہمیں اسلام کے قانون کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے, اللہ ہمیں نبی کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین جتنے بھی جوان, جتنے بھی بزرگ ہیں, جتنے بھی عورتیں یہاں پہ موجود ہیں, اللہ سب کو اپنی زندگی میں اسلام کرنے کے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن سے ویسا ہی دل لگانے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے صحابہ اور صحابیات نے دل لگایا. اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں نبی سے حقیقت میں محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنا
बनाने की तौफीक अता फरमा, उस ऑलराइट दिन हमें बनाने की। ऐ अल्लाह हम बनाए तो सिर्फ नबी को बनाए। ऐ अल्लाह ये दुनिया के अंदर जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख। ऐ अल्लाह जो बच्चे जो जिन घरों में के अंदर अल्लाह तेरे दीन के ऊपर अमल नहीं हो रहे हैं, अल्लाह उनके घरों के अंदर अल्लाह दीन के ऊपर अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाई का मिलाज अल्लाह नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह जो औलाद है अल्लाह उन्हें सारे औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जो जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही है जहेज इस दौर में इस गुर्बत दौर में अल्लाह उनकी गैब से मदद अता फरमा और बेहतरीन जोड़ा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे। हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करें और अल्लाह ही के लिए नफरत करें। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन और अमान कायम कर दे। अल्लाह मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर दे। मुसलमानों के अंदर आपस में मोहब्बत पैदा कर दे। मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। अल्लाह हमें मसाजिद की मदारिस की हिफाजत करने वाला बना दे। अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत का मतलब तो यही होता है कि जब जब मस्जिद के अंदर अजान दी जाए पांच वक्त कम से कम मस्जिदों में तशरीफ लेकर के जाए। अल्लाह हमें पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह हमें अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाने वाला बना दे। हमें अपने बच्चों को बुनियादी तालीम देने वाला बना दे। अल्लाह हमें नबी की सीरत को अपनाने वाला बना दे। नबी के अखलाक को अपनाने वाला बना दे। अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है बड़ा गफूर रहीम है सबके ऊपर रहम कर। अल्लाह मुसलमानों के ऊपर भी रहम फरमा। आज बर्मा के अंदर आज न्यूजीलैंड के अंदर आज सीरिया के अंदर आज श्रीलंका के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। अल्लाह तो मुसलमानों के ऊपर ज़हर से मदद अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनको जुल्म से बचा ले। ऐ अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है तू बादशाहों का बादशाह ताकतवर का ताकतवर है। ऐ अल्लाह तेरे हाथ में सब कुछ है वो तू इज्जत मन तशा वो तू जिल्ल मन तशा। ऐ अल्लाह मुसलमानों को अल्लाह जो जलील किया जा रहा मुसलमानों की इज्जत वापस दे दे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत इतने सालों तक रहे। ऐ अल्लाह फिर से दोबारा मुसलमानों की हुकूमत आ जाए ताकि इंसाफ दुनिया के अंदर कायम हो सके। ऐ अल्लाह हमें हिंदुस्तान के अंदर अमन और अमान कायम करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर ऐ अल्लाह हमें इस्लाम का प्रचार करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन तू बड़ा परवरदिगार है तू सबका खालिक और मालिक है तू दिलों को फेरने वाला है। अल्लाहुम्मा सब्बित कल्बी अला दीनिक। ऐ अल्लाह हमारे दिल को इस्लाम के ऊपर साबित कदम रखा। चारों तरफ फितने ही फितने हैं अल्लाह इन फितनों के ऊपर ऐ अल्लाह फितने वाली जिंदगी में हमें अपने ईमान को बचाने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। हरा अल्लाह हमारी बहनों को पर्दा करने वालियां बना दे। ऐ अल्लाह हमारे जवानों को अपनी जबान की शर्मगाह की हिफाजत करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन तू परवरदिगार है गफूर रहीम है। अल्लाह जब भी मौत आए अल्लाह हमारे ईमान के ऊपर मौत आए और कयामत के दिन जब तू फैसला करे नामयामाल दे तो हम सबको अल्लाह दाएं हाथ में नामयामाल देना। अल्लाह हम सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह प्रोग्राम के जरिए से जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रचाया अल्लाह उसकी जिंदगी के अंदर खुशहाली पैदा कर दे। अल्लाह उनके घराने में अगर मुसीबत हो तो अल्लाह मुसीबत को दूर कर दे परेशानी को दूर कर दे क्योंकि परेशानियों को दूर करने वाला तू है। ऐ परवरदिगार आलम ऐ रब्बुल आलमीन दुनिया में भी हमें कामयाबी अता फरमा और मरने के बाद भी हमें कामयाबी अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.